वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों जो यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट की परीक्षाएं हुई थी उसका हम एएफ सीरीज का दोस्तों जो जीएस का पेपर था वो पूरा सॉल्यूशन लेकर आए। दोस्तों जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपी ट्रिपल एस जीएस में क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है। आगे अभी यूपी ट्रिपल एस में दोस्तों लेखपाल की वैकेंसी आने वाली, तो आपको उसमें भी जीएससी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि जो यूपी ट्रिपल एस है वो किस टाइप के क्वेश्चन बना रहा है एग्जाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं ये जीएस का आज का पेपर। दोस्तों जो जीएस का पार्ट है वो 91 से लेकर 130 तक है, तो हम सारे 40 प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत का रैंक क्या है। दोस्तों जो पहला प्रश्न है जनसंख्या के आधार पर, दोस्तों आपको पता होगा जनसंख्या के मामले में पहला स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान में दोस्तों भारत है। तो जनसंख्या के आधार पर जो दूसरा देश है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि जनसंख्या में बात करें तो चीन पहले नंबर पर है और बात करें तो इंडिया दोस्तों दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 92, भारत के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल रैंकिंग 2019 में पहला स्थान हासिल किया। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदौर। जो दोस्तों इंदौर है वो पिछले 3 सालों से स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल में पहले स्थान पर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, इंदौर। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई को किस वर्ष में पेश किया गया था। तो दोस्तों जो 93 नंबर का प्रश्न है, जो जीएसटी दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो 2017 में वित्त मंत्री जो उस समय थे अरुण जेटली, उन्होंने 2017 में जीएसटी पेश किया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों एकदम सी होगा, ये ऑफिशियल दोस्तों आंसर की माध्यम से हम आंसर आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने में संसद को सशक्त कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों जो आर्टिकल 249 है उसमें यह संसद को यानी कि राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद को किसी भी मामले पर कानून बनाने के लिए सशक्त बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी दिया हुआ है वो एकदम सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना दोस्तों किस वर्ष में की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1993 में। दोस्तों 1993 में एक समिति बनाई गई थी ताकि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के काम की जाँच की जा सके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपको ये आइडिया मिलेगा कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न दिया है, 96 नंबर प्रश्न दिया है कि 5वें अनुसूची क्षेत्रों वाले कितने राज्यों राज्य पंचायतों में से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं, यानी कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र वाले कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 10। दोस्तों जो 10 ऐसे राज्य हैं वो पंचायत से अधिनियम 1996 के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर दोस्तों प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो दोस्तों आर्टिकल जो 108 होता है इसके तहत जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 108 आर्टिकल। 98 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है, जब लोकसभा या राज्यसभा में टाई की स्थिति आती है यानी कि जब मत बराबर हो जाते हैं तो जो स्पीकर होता है वह अपना निर्णायक मत देता है। तो दोस्तों जो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है वह स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है और वर्तमान जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 99, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के समीप अति समीपस्थ कोई शहर है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले तो दिया हुआ है कि इसमें शहर पूछा है, समीपस्थ कोई शहर है, जबकि ऑप्शन में किसी भी शहर का नाम नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों आयोग ने इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा को माना है। आयोग का मानना दोस्तों है कि त्रिपुरा जो ऐसा राज्य है उसके पास से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन दोस्तों त्रिपुरा जो है यह एक शहर नहीं है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन कर सकते थे, अगर आपने किया है तो आपका नंबर बढ़ सकता है।
सौवां प्रश्न दोस्तों है, उस पड़ोसी राज्य राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों जो भारत अपने सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है वह बांग्लादेश के साथ साझा करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा भारत का सीमा है, उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा सीमा भारत का दोस्तों है चीन के साथ, उसके बाद दोस्तों जो भारत का सीमा है वो नेपाल के साथ, और उसके बाद दोस्तों आता है पाकिस्तान। तो जो सबसे बड़ा सीमा साझा करता है भारत वो है बांग्लादेश। 101 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है। 101 नंबर दोस्तों जो प्रश्न है, तो दोस्तों जो भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कहते हैं भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा। इसके दोस्तों इस साइड में यानी कि जो बाएं साइड में है अरब सागर है, और इस साइड है बे ऑफ बंगाल, और ये पूरा जो साइड दोस्तों होता है ये अरब सागर यानी हिंद महासागर द्वारा घिरा हुआ है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो हिंद महासागर तक फैला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है। 102 नंबर दोस्तों जो प्रश्न है, सबसे तंग घाटी की बात की जाए तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द ग्रैंड कैनियन। दोस्तों जो द ग्रैंड कैनियन है वो विश्व की सबसे तंग घाटी मानी जाती है। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न ध्यान से देखना है, नदी द्वीप की बात की जा रही है। तो दोस्तों जो दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है दोस्तों वो है माजुली, असम में स्थित जो माजुली है यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बात करें माजुली की तो दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है और यह असम में दोस्तों स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं कि द्वीपों की, तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों वो है ग्रीनलैंड। यदि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात की जाए तो दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो इंडोनेशिया है, लगभग 2500 वहाँ पर छोटे मोटे द्वीप हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा माजुली, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 104 नंबर प्रश्न दोस्तों है, ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो ताजमहल के कैलीग्राफर का दोस्तों नाम बताना है, 104 नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों जो ताजमहल के कैलीग्राफर यानी कि सुलेखक थे उनका नाम दोस्तों है अमानत खान सिराजी, ऑप्शन नंबर सी अमानत खान सिराजी एकदम सही आंसर है। 105 नंबर प्रश्न दोस्तों देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी। तो दोस्तों जो सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, तो इन्हें 1931 में लाहौर षड्यंत्र केस के तहत लाहौर के सेंट्रल जेल में ही फांसी दी गई थी 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, 106 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है कि किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश सरकार की संरचना में सुधारों की घोषणा करते हुए मार्ले मिंटो सुधार आया था। तो दोस्तों जो 106 नंबर प्रश्न है, जो मार्ले मिंटो सुधार है वो भारत में 1909 में आया था दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1909। राज्य में व्यवसाय दोस्तों, अगला प्रश्न 107 नंबर, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISISO 9001:2008 प्रमाणित कितने स्तरीय निकाय है, और यह सभी औद्योगिक अनुबंधों को समाहित करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 सदस्यीय। दोस्तों जो यह है वो 3 स्तरीय निकाय है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से प्रदेश कौन से स्थान पर है। 108 नंबर प्रश्न है, तो दोस्तों सॉफ्टवेयर की निर्यात की दृष्टि से भारत का जो प्रदेश का जो स्थान है भारत में वो 4 नंबर पर स्थान है, और यदि बात की जाए पहले नंबर पर दोस्तों भारत में पहले स्थान पर जो है वो कर्नाटक है, जो कि बेंगलोर भारत का आईटी हब माना जाता है। तो और यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो नोएडा है वह सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए काफ़ी जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश का इसके हिसाब से 4th स्थान पूरे भारत भर में माना जाता है। 109 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है। 109 नंबर दोस्तों जो प्रश्न है, तो दोस्तों जो घरेलू पर्यटकों के मामले में भारत उत्तर प्रदेश का स्थान है वो 2nd स्थान है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है वो पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात की जाए आगरा की, तो आगरा पेठे के लिए प्रसिद्ध है, और लखनऊ चिकनकारी के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, 111 नंबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना 1916 में हुई थी, जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 112, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जो जनपद है वो कौन सा है।
तो दोस्तों आयोग ने इसका सही आंसर बताया है कि जो 2011 के जनगणना के अनुसार कानपुर नगर जो है वह सर्वाधिक साक्षर जनपद है। तो आयोग के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक था। तो दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद के मामले में जो गौतम बुद्ध नगर है वो उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है। जो ग्रेटर नोएडा है वो गौतम बुद्ध नगर में ही आता है, और इसलिए जो गौतम बुद्ध नगर का सकल घरेलू उत्पाद है प्रति व्यक्ति वो सर्वाधिक है पूरे प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, ऑप्शन नंबर डी पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, एकदम करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है वो किस शहर से शुरू हुआ था। तो जो 115 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है वह गोरखपुर से स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर एकदम इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 116, दुम पोख्त उत्तर प्रदेश की एक क्या लोकप्रिय प्रक्रिया है। तो दोस्तों जो दुम पोख्त है उत्तर प्रदेश में यह एक व्यंजन पकाने की विधि है। दुम पोख्त के माध्यम से किसी भी जो दोस्तों धीमे आंच पर व्यंजन को पकाया जाता है इसे दुम पोख्त कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की जो औपचारिक परंपरा है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दस्तरखान कहते हैं। जो भोजन के सजाने की औपचारिक परंपरा उसे दस्तरखान कहते हैं। 118 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो 118 का दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा खुर्जा को उत्तर प्रदेश में सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है, जबकि जो उत्तर प्रदेश लखनऊ है इसे बायोटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। 119 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो 119 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो एक स्थान चुनार है वो अपने लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो चुनार है वो मिर्जापुर जिले में आता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चुनार। 120 नंबर प्रश्न है, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है। तो लखनऊ घराना का जो दूसरा नाम दोस्तों है ये पूरब घराना के नाम से जाना जाता है। जो लखनऊ घराना है दोस्तों इसे पूरब घराने के नाम से जाना जाता है। आयोग ने ऑप्शन नंबर डी को एकदम सही माना है। 121 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2017-18 में कॉफी उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर रहा था। तो जो 121 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कॉफी उत्पादन में भारत 7वें नंबर पर रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है, यानी कि इंपोर्टर। कौन सा देश भारतीय जो चाय है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों रसिया हो जाएगा। आयोग ने ऑप्शन नंबर बी रसिया को सही आंसर माना है। 123 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि वर्ष यानी कि किस वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर सिरसा में पहली बार जूट मिल स्थापित किया गया था। जो 123 नंबर प्रश्न है तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1885 में सिरसा में एक जूट मिल स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 124 नंबर प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे एशिया का सबसे बड़ा जो मसाला बाजार माना जाता है, खारी बावली का जो बाजार है नई दिल्ली में इसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए खारी बावली नई दिल्ली सही आंसर होगा। 125 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम की आधिकारिक प्रायोजक है। 125 नंबर दोस्तों जो भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक है वो ऑप्शन नंबर डी पेटीएम है। यदि बात की जाए कि भारतीय टीम की जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है वो कौन है, यानी कि टीम स्पॉन्सर कौन है, तो वो दोस्तों इसमें बायजूस है, और यहाँ पे जो आधिकारिक प्रायोजक है वो पेटीएम है। 126 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2019 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम है 2019 वह ऑप्शन नंबर बी चीन में आयोजित किया गया दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 127, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने वर्ष 2000 तो दोस्तों जो 2019 का बेस्ट 66वां बेस्ट फिल्म का पुरस्कार था वो हिलारो को मिला था, यानी दोस्तों जो हिलारो है एक गुजराती फिल्म है इससे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। दोस्तों बात की जाए अंधाधुन की, तो अंधाधुन की को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था, और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और अंधाधुन के लिए आयुष्मान खुराना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया था। तो इस प्रश्न के लिए बेस्ट एक्टर बेस्ट फिल्म का अवार्ड हिलारो को दोस्तों मिला था। 128 नंबर प्रश्न है,
शारदीय विश्व में दिन रात 2019 में, यानी जो शारदीय विश्व होता है वह किस तारीख को होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो ए है 23 सितंबर 2019 का जो शारदीय विश्व यानी कि दिन रात बराबर कब होता है, तो 23 सितंबर सही आंसर हो जाएगा। 2019 में निम्नलिखित में से किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो जो 129 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपको पता होगा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को 2019 के वीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है 130 नंबर दोस्तों जो प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 के हिसाब से भारत इसमें 52वें स्थान पर है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये AF सीरीज़ का जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर था, ये GS का सॉल्यूशन था दोस्तों। इससे आपको आगे आने वाले UPSSC के परीक्षाओं में कैसे पेपर बन रहा है इसका आइडिया दोस्तों मिलेगा, इसलिए हमने आपको बताया। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको इसका हिंदी का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।